तेरे आने से हो याने बाहर दिल नची जावे धक धक के। माहिर भाई, आपको हमारे तरह रानिया आपू बहुत अच्छी लगती हैं। क्या रानिया मुझे क्यों अच्छी लगेगी? अरे एक नंबर की चुड़ैल है वो तो। मैं तो सिर्फ इसलिए लेके जा रहा हूँ कि तुम लोगों को ख्याल लग सके। ऐसे मुझे समझ में नहीं आता है तुम लोग उसकी कंपनी एंजॉय कैसे करते हो। शीट सो बोरिंग है ना। नहीं आज बहुत मजा आएगा। टीपू ने कहा आपने बुलाया मुझे। क्या मैंने बुलाया टीपू? अरे झूठ बोल रहे। बच्चे जिद कर रहे थे कि बाहर जा रहे हैं, रानिया आपकी को भी साथ ले लेते हैं। मैंने बोला ओके व्हाई नॉट। अच्छा चलो ठीक है, मुझे ना दबीर अंकल के लिए शॉपिंग भी करनी है उनके रूम के लिए, तो मैं लगे हाँ शॉपिंग भी कर लूंगी। चलते हैं। अच्छा मैं चेंज करूँ क्या? सही है, चेंज करना है करो, नहीं करना है ना करो, क्या फर्क पड़ता है। इस शहर की खूबसूरत लड़कियों के सामने तुम्हारी दाल नहीं गलने वाली है ना बच्चों। बच्चों आपने बहुत हल्का ले रहे हैं मुझे। अभी आपको पता नहीं है कि रानिया किस शहर का नाम। मेरे गांव में ना दूर दूर तक मेरी मिसालें दी जाती हैं। इसका मतलब कि गांव के सारे लोग तुम्हारी तरह पागल हैं। हर शख्स अपने ज़र्फ़ के मुताबिक ही बात करता है। चलो बच्चों इससे पहले कि ये मेरे मुंह से थोड़ी और तारीफें सुन ले चलते हाँ? जी आ गए ये कैब। चलो ये ब्लैक वाला गेट है। जी 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 आ जाए आ जाए आ जाए। वैसे हम जा कहाँ रहे हैं? तुम बताओ कहाँ जाना है? मेरे ख्याल से डॉक्टर वासी के घर चलते हैं, मोना की एंगेजमेंट का इनवाइट भी तो देना है उन्हें। हाँ ठीक है चलते हैं, और उसके बाद अंजुम आपी की तरफ चले। ठीक है हाँ, और फिर खावर, कितने दिन हो गए खावर से तो मुलाकात ही नहीं हुई। ओ हाँ उससे भी तो मिलना है। सही है, हम बच्चों को घुमाने निकले रानिया, तुम्हारे दोस्तों से मिलने नहीं। और डॉक्टर वासिक की शक्ल देख के ना ये बच्चे बहुत बोर होंगे, है ना बच्चों? जब अपनी ही चलानी थी तो पूछा क्यों था। माफ कर दो बहुत बड़ी गलती हो गई। बच्चों तुम लोग बताओ कहाँ जाना है? वाहिर भाई जू चले। नहीं नहीं बहुत देर हो जाएगी, मुझे शॉपिंग के लिए जाना है, अंकल जी का रूम भी तो सेट करना है अभी। हाँ मुझे लग रहा है कि बिल्कुल ठीक कह रही है, तो एक काम करते हैं कि हम जू चलते हैं। या अल्लाह पता नहीं किन फारिग तरीन लोगों में फंस गई हूँ मैं। आपके ना वालिद साहब आ रहे हैं, कोई ख्याल है आपको उनका? कैसा ख्याल, तुम मेरे डैड को जानती नहीं हो। मेरे डैड बहुत डिसेंट बहुत सादा तबीयत के मालिक हैं, उनको ये कमरा सजावट बजावट पसंद नहीं आएगा। रिलैक्स करो है ना। अच्छा मुझे लगता है वो भी मियां जी की तरह है। मेरे मियां जी भी ना बिल्कुल ऐसे ही सादा हैं, उन्हें भी बिल्कुल शोशा पसंद ही नहीं है। आपको पता है मेरे शहर के ना बड़े बड़े लोग उनसे डरते हैं जी। बच्चों हम जू के बाद आइसक्रीम खाने जाएंगे। यार अब ये नहीं करना, बहुत देर हो जाएगी। आप जरा गाड़ी तो जल्दी चलाए ना भाई प्लीज। मानो ध्यान से। दादी बता रही थी कि तुम्हारे डैड तब वो इस दुनिया में नहीं है। सॉरी ठीक है से वो I'm sure तुमने उन्हें देखा तो होगा ना? मैंने देखा नहीं था, बहुत छोटी थी ना जब उनकी डेथ हो गई थी। कुछ तो याद होगा उनके बारे में। ए बीबी अल्लाह तुम दोनों की जोड़ी सलामत रखे, अपने साईं का सदका देना बीबी। अरे क्या कह रही है, माफ करें। नहीं है बीबी खुश रहे, अल्लाह तुम्हें बहुत दे, सदका देना अपने साईं का। कहा ना नहीं है। ये लें आप ये पैसे रखें और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। पैसे क्यों दे दिए, हट्टी कट्टी थी, ऐसे लोगों को ना पैसे नहीं देने चाहिए। अरे ठीक है आंटी, इतनी सारी दुआएं दे रही थी, पैसे देने तो बनते थे ना। तुम बताओ तुम्हारे फादर कैसे थे? हाँ लेकिन मुझे कुछ याद ही नहीं है। हाँ मगर बहुत एजुकेटेड थे वो, बड़ी अच्छी जॉब थी उनकी और हैंडसम भी बहुत थे। लगता है तुम भी उन पे ही गए हो। ओह इसका मतलब ये फाइनली तुम एडमिट कर रही हो, हैंडसम तो मैं हूँ है ना? जी अब अल्लाह ने शक्ल सूरत तो दी है तो। अब मुझे तुम्हारे आगे का जवाब भी पता है। तुम कहोगे कि जाहिरी खूबसूरती से क्या होता है, असल खूबसूरती तो सीरत की खूबसूरती होती है ना? बिल्कुल भाई, जाहिरी खूबसूरती तो खत्म हो जाती है, असल चीज तो अंदर का इखलाक होता है और इंसान का किरदार होता है। ये सारी बातें ना फेसबुक के स्टेटस में और फॉरवर्ड मैसेज में बहुत अच्छी लगती है।
प्रैक्टिकल लाइफ से इसका कोई भाई 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 आपको पता है मैंने वहाँ व्हाइट टाइगर देखा है। अच्छा बेटा आगे जाओ और भी बहुत सारे टाइगर हैं। अरे टीपू क्या कर रहे हो? मैं आ रहा हूँ एक सेकंड। हाँ दिखाओ क्या है। अरे अंधे हो क्या, नजर नहीं आता? अरे सॉरी, आपका खूबसूरत चेहरा देख के आंखें। जरा चश्मा उतार ना, तुम्हारी आंखें फोड़ू मैं। अच्छा नाम तो बता दो अपना। कुछ तो बता दे। अरे इंस्टाग्राम आईडी बता दो या फिर अपना फोन नंबर दे दे। जूते का नंबर दूं तुम्हें मैं? अरे गुस्से में तो और भी क्यूट लगती है ये। दफा यहां से निकलो। आओ अपनी आंखों को बंद कर। अरे सॉरी भाई भाई। अरे भाई सॉरी, मजाक कर रहे थे यार। मजाक कर रहे थे बाजी। सॉरी बाजी, बाजी प्लीज मजाक कर रहा था। अल्लाह की कसम मजाक कर रहा था बाजी, प्लीज सॉरी। इसके बाद नजर आया ना जान से मार दूंगा। निकल यहां से। मानो क्या हो गया, बच्चे परेशान हो गए हैं। सॉरी तुम्हें इस तरह अकेले नहीं छोड़ना चाहते। इट्स फाइन, आई होप यू फाइन। आई एम ओके। टीपू कहाँ है? ओ भाई चलो। अम्मा जी इतना मजा आया, इतना मजा आया, टू मच फन। लगता है तेनू कल्ली नु मजा आया, तुम इसको देख के तो लगता है कि ये मोटरसाइकिल को टकरा कर घर आया है। अम्मा जी मोटरसाइकिल को धक्का नहीं लगाया, लेकिन आपकी बहू को खींच के ले आया हूँ। इसका वापस आने को दिल ही नहीं कर रहा था। अरे मेरी कमर गई अम्मी जी कसम से। महीर कितने रह गया, वो भी नहीं आया बच्चियां दे नाल। वो परेशान ना हो, माँ जी आ जाएगा। अच्छा एक गल करनी भाई बड़ी जरूरी। हुक्म करे अम्मा जी। ओ गल सुनो, मोना मन गई है कि नहीं है? ए ना होए कि हम लोग सारी तैयारी कर दे तो पता चले कि कुड़ी नहीं राजी हो रही। एब्सोल्युटली नॉट। आपको क्या लगता है अम्मा जी ऐसा होगा? क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। आपकी छोटी बहन है, कुछ भी हो सकता है। बल्कि मुझे तो कभी कभी डर लगता है कि वो आपकी तरह किसी दिन कोई खड़ा ही ना कर दे। गल सुन, ए रिश्ता तू करवाया? अच्छा मैंने शर्मिंदा ना करवाई। रफीक ये ना समझे कि राबील के इनकार की वजह नाल असी बदला ले रहे हैं। खबर दी छानबीन भी करवा ले, कुड़ी दा मामला है। मां जी मैं आपको जबान दे रही हूँ, मैंने बड़ी सोच समझ कर ये फैसला किया है। और मोना तो मुझसे ज्यादा समझदार है, खावर भले जैसा हो लगाम डाल लेगी, मेरी तरह वो मासूम मस्कीन नहीं है। ओ बच्चे भी आ गए, बड़ी देर कर दी भाई तुम लोगों ने। है उधर रह गए थे, अम्मा जी इतनी परेशान हो रही थी। आज हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया, बहुत मजा आया। टाइम का पता ही नहीं चला, बहुत एंजॉय किया बच्चों ने। हाँ ये तो इतना एंजॉय कर रहे थे। चलो 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 मम्मा, अब हम थक गए, अब हम सोने जा रहे हैं। चलो जाओ, चेंज करना। क्या बखैर दादी, थकावट तो हमें भी बहुत है, हम भी थोड़ा सा फ्रेश हो जाते हैं। जाओ जाओ भाई, जाओ सो जाओ, आराम करो, जाओ। मैं भी चलती हूँ। हला शब बखैर। कल सुनो वो मुन्ना को तो फोन कर, कुछ कदों आ रही है। ते तूने अपने भाई और भाभी को राजी कर लिया ना आने के लिए? जी सारे के सारे राजी हैं, बस परजाई जो है ना वो जल कुकड़ है, अभी से बीमारी के बहाने बना रही है। 10 साल पहले पित्ता निकाला था, आप कहती पित्ते में दर्द है। मुझे तो लग रहा है कि भाई को नहीं इजाजत देगी। पहले तो मुझे बड़ा दुख हुआ अम्मा जी के भाई भाभी नहीं होंगे, फिर मैंने कहा तफा दूर है, मेरे पास अम्मा जी हैं। आपने मुझे अगर खानदान का हिस्सा बनाया तो मेरी बहन भी तो खानदान का हिस्सा है, और खानदानी लोग तो यही करते हैं ना अम्मा जी। आहो आहो, मैं 2 सेकंड में मोबाइल लेकर आती हूँ और आपकी वीडियो कॉल करवाती हूँ मोना से, ताकि आपकी तसल्ली हो जाए, है टेंशन खत्म हो जाए आपकी। मुझे तो खावर बेचारे पे तरस आता है, तरस। कल सुन ये रिश्ता ऐसी कोई जबरदस्ती थोड़ी करवाया है, ये खावर दे पियो ते उसकी अपनी चॉइस सीगी, ते नाले तेरी वोटी जड़ी है ना वो बड़ी दिलो जान से चाह रही थी ये रिश्ता कि उसकी बहन का उधर रिश्ता हो जावे। असी कौन है बीच में, असी क्यों पड़िए है? खावर भी किसी को कम नहीं है, मैं दस दया शेर नु सवा शेर मिले है। अम्मा जी मैं जरा थक गया हूं, मैं जाऊं? जा बे जा, क्या रहता है? अरे अरे इस लिस्ट में तो सरत का नाम ही नहीं लिखा हुआ, हम भूल गए। और हाँ उसके हस्बैंड का क्या नाम था? शाहरुख। अरे नहीं तीसरे का नहीं, शाहरुख नहीं, वो क्या था, मोटर सेट नहीं, कुदूस। अरे नहीं तीसरा, हाँ
शफीक, शफीक हाँ वो भी मर जाएगा। क्या बोल रहे हो मामा? मेरी सारी फ्रेंड्स के नाम लिखेगा, मैं आपकी सारी फ्रेंड्स को बुलाऊंगी। अरे नहीं भाई, बहुत खाती हैं, मत बुलाना। जी नहीं, आपके दोस्तों से बहुत कम खाती हैं। याद है ना मामा आपको, जब भाई ने ईद पर अपने दोस्तों को बुलाया था वो तो सब कुछ खा गए थे, हमारे खाली के लिए कुछ भी नहीं बचा था। अरे चुप करो, तुम लोग हर जगह अपनी लड़ाई लेकर बैठ जाते हो। इधर मैं ये सोच रही हूँ कि अम्मा जी ने जिस घर में दूसरी लड़की का रिश्ता तय किया है वो लोग काफी दौलतमंद और दिखावे के शौकीन दिखाई देते हैं। लोग हमारी लाई हुई चीजों का मुकाबला उनके तहाइफ से जरूर करेंगे। हाँ तो करने दे, हमें क्या फर्क पड़ता है। क्यों मामू? मैं क्या कर सकता हूँ भाई, मुझे तो इन मामलों का कोई तजर्बा ही नहीं है। एक एक करके सबके सेरे के फूल खिलते जा रहे हैं और एक मैं हूँ, मेरे सेरे के फूल बिन खिले ही मुरझा गए। मामू यहाँ इतनी अच्छी बातें हो रही थी, आप अपनी ठंडी आए थोड़ी देर बाद नहीं भर सकते थे? अब तो सर्दी लगने लगी है। तुमने भी ठीक नहीं किया छोटी, तुम्हारे स्कूल में कितनी टीचर्स हैं जो कि उम्र रसीदा होंगी, जिनकी शादियां नहीं हो रही होंगी, तुमने कभी ट्राई नहीं की मामू के लिए? और भाजी आप कैसे अपनी बेटी की शादी करी है? आपका अपना भाई, सगा भाई, अभी तक उसकी शादी नहीं हुई, आप उसका नहीं सोच रही, अपने बेटे का सोच रही? आज तुम फिक्र नहीं करो, दिल छोटा ना करो, मैंने काफी लोगों से कहा है तुम्हारी शादी जरूर होगी। हाँ होगी, एक ना एक दिन होगी, जब फरहाद बूढ़ा हो चुका होगा और उसके बच्चे जवान हो चुके होंगे तब होगी, और फिर मेरी मीम्स बनेंगी, मेरी मीम्स बनेंगी मेरी बीवी के साथ कि इस बूढ़े आदमी की शादी होगी यही जवान औरत से, और बच्चे बच्चे मेरा मजाक उड़ाएंगे, मुझ पे साइबर अटैक करेंगे, यूट्यूब पे मेरी वीडियोस आएंगी। क्या बातें लेके बैठ गए यार, आप ना बहुत फ्यूचर की सोचते हैं, फिलहाल मेरी शादी है, मेरा निकाह है, उस पे फोकस करें आप। अच्छा मामा लिस्ट का बताएं क्या हुआ। हाँ ना, मैं ये सोच रही हूँ किसी का नाम रह तो नहीं गया। वो एक नाम लिख दें, वो रजिया सलीम का, वो जो मेरी एक्स थी, और मेरे बॉस गयूर साहब का, अब तो उनके 3 बच्चे। जम जम आ रफीक अहमद, तेरा अपना घर है ते मेहमान नवाजी ते खानदान दा वतीरा हैगा, ते असी खानदानी लोग आ ते लोकां नू खिला पिला के सानू खुशी आंदी है। हाला ओ नहीं नहीं भाई, मैनू किसी चीज दी लोड़ नहीं है, ते सब कुछ मिलदा है। आहो ले चल, तू ना कह रहे हैं ते फिर ओ एक होनी ना चॉकलेट कासनी जिहा उसते वरख चढ़िया हुंदा है, ते ओ वाली किलो दो किलो ले आवी बस, होर कुछ नहीं। नहीं आखो, हाँ चल फिर मुंतजर हाँ मैं ते, वासला वासला। चलो जी, हाँ चलो जी, गल भी हो गई मुक गई। हाँ जी हो गया काम, टांका लग गया, कमीज ठीक हो गई मेरी। जी जी बस लग गया। तू की कर रहे हैं, टांका लाना सीख रहे हैं? जी जी दादी, टांका ही लगाना सीख रहा था। ये तो बड़ी अच्छी खबर सुनाई है आपने, मोना की ना निक्की जी लिस्ट है फरमाइशों की, वो खबर को देनी है। हाँ वो क्यों ना भाई, हक बन दिया दे जरूर, इतना पैसा आ गया ओदे कोल, हुन लावे ना वोटी ते, मैं चाय ऑर्गेनाइज करती हूँ। आह वैसे दादी, हाँ ये खावर आजकल इस घर के कुछ ज्यादा ही चक्कर नहीं लगा रहा? हक बांध दे ओदा, खावर मोना का होने वाला शौहर है, उसका इस घर में हक बनता है। मैं मोना की बड़ी बहन का शौहर हूँ, मेरा इस घर में हक आज तक तस्लीम नहीं किया गया। माद हाथ पैर तेरे चल दे नहीं, लेकिन एहो जिया गल्ला ते दिमाग तेरा बड़ा चलता है। सॉरी अम्मा जी। सॉरी। हाँ जी हो गया काम, टांका लग गया। जी जी लग गया। लग ही गया है दादी। आहो हो गया भाई, सुई काट लग। ये ले आपा जी आपकी चॉकलेट। रफीक अहमद थैंक यू भाई, थैंक यू थैंक यू। तो कासनी वाली हैगी? हाँ नजर आ गई, इतनी सारी ले आया तू है, इंपोर्ट कराई है आपा जी। थैंक यू भाई थैंक यू। खबर कितने रह गया है?
गाड़ी खड़ी करने गया है वो, आता होगा। हेलो आ गया। इसे क्या हो गया? मुझे लगता है कि इसकी कमर में चूक पड़ गई है, ऐसे क्यों चलता हुआ है? हाँ बड़े पुत्र, इन्ना आकड़ क्यों रहा है? लग रहा ठंडे पानी डुबकी मार के आया, जिससे पकड़ गया मेरे बच्चे दा है। नहीं अम्मा जी, ऐसी कोई बात नहीं है। एतमाद के साथ वही लोग सर उठा कर जीते हैं जिनके पास ताकत हो, दौलत हो, असर और रसूख हो। अब्बा जी आपने बताया नहीं, हम अभी एक और प्रॉपर्टी की डील कर कर आ रहे हैं। हाँ जी हाँ जी। अल्लाह मुबारक हो रफीक अहमद। खैर मुबारक। बहुत खुश नसीब होगी वो लड़की जो हमारे घर दुल्हन बनकर आएगी। अरे दामाद बना नहीं है, अकड़ दिख रही है उसकी। आखिर ये दामाद हमारी अकड़ दिखाएगा, हम भी ससुराली बनकर मिट्टी पलीद कर देंगे। चाय पियेंगे खावर भाई? अरे चाय की जरूरत थोड़ी हो ना रानिया, खावर भाई को तो बादामों वाला दूध देना चाहिए ताकि इनकी बिनाई तेज हो, और ये जो चश्मा इन्होंने लगाया हुआ है ना, ये चश्मा उतर जाए। भाई अपनी मोना का तो तुम्हें पता ही है, जब गुस्सा होता है तो चीजें उठा उठा के मारती है। अब अगर बिनाई कमजोर होगी तो चीजें आके टक सर पे लगेगी और सर खुल जाएगा ना। उफ़, तो परेशान हूं कि सर फट जाएगा तो क्या बनेगा इस बेचारे का, ये ताकत ये असर रसूख क्या करेगा इन सब चीजों का ये। अरे माहिर साहब मेरी बात सुने आप, लेजर करवाने वाला हूँ मैं, कुछ दिनों की बात है फिर ये चश्मा उतर जाएगा, फिर मेरी टोरे चेक करना है आप। और रहेगी कैच पकड़ने की बात, बहुत एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स क्लब ज्वाइन किया है मैंने, कैच पकड़ने की प्रैक्टिस वहां हो जाएगी मेरी। स्पोर्ट्स क्लब? चाचू ये बावलों का कोई नया स्पोर्ट्स क्लब खुला है क्या इलाके में? शायद। अरे नहीं जी, नया जमाना है, नई नई बातें हैं, और बड़े बिजनेसेस की तो चमक भी इन जैसे बावलों की वजह से ही लगी हुई है। बात सुने मेरी आप, बावला नहीं हूं मैं, बस मासूम सा लड़का हूं मैं, और इस मासूमियत पर तो लड़कियां मरती हैं। खैर आप मेरी ज्यादा तारीफें मत करें, माहिर भाई से हजम नहीं होंगी। अब्बा जी इनको बताएं कि एंगेजमेंट के लिए हमने कौन सा हॉल बुक करवाया। ओ शोखे, पहले तू मुझे ये बता कि तू यहाँ अब्बा जी को सलाम करने आया है शेख यहाँ पकारने। ओ अब्बा जी आजकल सब पैसे को सलाम करते हैं, ये सब बड़ा जरूरी है, आपसे बेहतर कौन जानता है। और हाँ अम्मा जी, फंक्शन का ड्रेस ना मैं खुद सेलेक्ट करूंगा, वो क्या है ना मुझे हर किसी की सिलाई समझ नहीं आती कुछ, मेरा अपना दर्जी है थोड़ा एक्सपेंसिव, लेकिन क्या है ना मेरी मर्जी के मुताबिक कपड़े सी के देता है। इनकी भी कोई मर्जी होती है? पहला इंसान होगा वो दर्जी जिसपे इसकी मर्जी चलती होगी। दर्जी और मैं मर्जी। अब्बा जी देखे ना मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। क्या है जीजा जी, अब ससुराल आए तो इस तरह की वीआईपी खातिर तो आज़ाद तो होती रहेगी है, डोंट माइंड। पाएं रफीक, इतराज तो नहीं ना? नहीं नहीं पुत्र, कोई इतराज नहीं है, तुम्हारी चीज है, अब तुम जैसे भी इस्तेमाल करो तुम्हारी मर्जी। अभी तो आपको अपने दोस्तों से भी मिलवाना है खबर भाई। अरे फिर तो भाई मेंटली बहुत तैयार होकर जाना, क्योंकि आजकल की लड़कियां बड़ी तेज होती हैं, ऐसे लड़कों का तो बेड़ा ही खरक कर देती हैं। अब्बा जी भाई क्या बोल रहा है? आराम से अंकल जी, हमारे होने वाले दामाद की इज्जत का फालूदा तो ना करें, देखो तुझे कैसी रोनी शक्ल हो रही है बेचारे की। अरे ये शक्ल रोनी हो नहीं रही, बेचारे की शक्ल है ही ऐसी। बल्कि मैं तो कहता हूँ खाबर भाई आप एक काम कीजिएगा, जिस दिन शादी हो ना यार उस दिन मुंह पे ये सहरा डाल लेना, क्या है ना कि तुम्हारी ऐसी शक्ल देख के लोग पता नहीं क्या क्या बातें बनाएंगे। सहरे पे ना वो चिली मिली लाइटें भी लगा लेना है, बड़ी अच्छी लगेंगी। ईद मुबारक भी लिख लेना। क्या कह रहे हैं? इंजॉय कर पुत्र, दामाद बनना इतना आसान नहीं होता, जो लोग बेटी देते है ना वो लड़के की तफरी भी लेते हैं, देख कितने प्यार से मजाक बना रहे हैं तेरा। प्यार? शादी करनी है या लगाऊं तो और? सीधा होके बैठ। कर लूंगा शादी भी कर। अब आ गया ये लाइन पे। अम्मा जी थोड़ी गुड़ वाली चाय। जीउंदी रह जीउंदी रह जीउंदी रह। गल सुन, मंगनी च किन्ने दिन रह गए ने, मोना ने कदों आना है? आज सुबह कोई बात हुई है, वो कह रही कि बस जल्द पहुंच रही अन करीब। चल लाला चंगी गल है ते। वे खबर दियां गल्लां सुनियां ने, ओ पैसा बहा रहे पानी दी तरह है,
80 रुपए ना उस तो डबल पैसे लावांगे। हाँ लगाएंगे दादी, क्यों नहीं लगाएंगे, भरपूर पैसा खर्च करेंगे। शावा तू मेरा दिल खुश कर देता है, मेरा सर फखर से बुलंद हो गया हूँ बस। और दादी आप एक काम करें, अपने बेटे को जरा कॉल तो करें और उनसे कहें कि जो अमेरिका में बैठ के इतने साल मेहनत करके डॉलर्स कमाए हैं किस दिन काम आएंगे, यही तो टाइम है लगाने का और दुनिया वालों को दिखाने का। दादी उस दिन भी जब मैंने डैड से बात की ना डॉलर्स की, अचानक फोन बंद कर दिया उन्होंने, जरा बात करें उनसे आप। नहीं नहीं देगा, क्यों नहीं देगा, सी मैं गाल करेंगे उस दिन, मिला काल मिला उसने, मैं गाल करनी है। क्या हो गया है, दूसरों का मुंह लाल देख के खुद के मुंह पे चपेड़े मार मार के लाल नहीं किया जाता, वो कर रहे हैं तो करने दे फिजूल खर्चियां, हमें तो नहीं करनी चाहिए ना। ए रानिया तुम नहीं समझती, दादी इसका बस चले ना तो हमारी इज्जत का फालूदा निकलवा दे उनके सामने, इसकी बात ना सुनिएगा आप। पुत्री तू ये गल्ला नहीं समझ सकती, ए साड़ी इज्जत का सवाल है, हुण असीं पिछे नहीं हट सकते। बेल जा रही है, मिला मिला। अस्सलाम वालेकुम पाइंद वीर। अस्सलाम वालेकुम डैड, हेलो। ये अम्मा जी से बात करें। अस्सलाम वालेकुम, वालसाम वालसाम, गल सुन तेरी तैयारी कैसे चल रही है, टिकट कटवा लेता है? ओए बस अम्मा जी समझे, टिकट कट गई है बस, इंशाल्लाह बड़ी जल्दी आपके कदमों में होऊंगा मैं। तेन याद है ना इत्थे नमूद नुमाइश का मुकाबला हो रहा है, बहुत सारे पैसों की जरूरत होगी, अच्छा हूँ पिछे ना हटी। अम्मा जी पिछले साल ना कारोबार बड़ा ठंडा गया है अम्मा जी, कुछ हालात ठीक नहीं है यहाँ पे। आए होवे नुकसान तेनू, मैनू की, इत्थे गल बहुत वध गई है, तेरी अम्मा जी रफीक दे अगे छोटी नहीं नजर आ सकती, ते गल सुन हुण आवेगा ना ते अपनी वोटी नू भी नाल लेकर आए, उहदी सीटी नू 20 साल हो गए ने असदी उसकी शक्ल नहीं वेखी है। ओ छोड़े अम्मा जी उसको ला के क्या करना है, काम खावे कमाल करना है, तू नू है मेरी, इस घर की बहू है, ते इत्थे शक्ल नहीं विखाई उसने, इस बारी तू आएगा तू सीटी नू नाल लेकर आई, क्योंकि वेख बस हुण छुपन छुपाई मुक गई, हुण लेकर आई उहनू। अब्बा वो अम्मा जी दरअसल मैं आपको बताना भूल गया, बोला स्वीटी का बड़ा जबरदस्त किस्म का कोई एक्सीडेंट हुआ है, उसकी तो लातें टूट गई है अम्मा जी, हड्डी जो है ना वो चूरो चूर हो गई है, डॉक्टर ने प्लस्तर प्लस्तर बांध के ना उसको बेड रेस्ट बताया है, वो तो अम्मा जी 6 महीने बेड से नहीं उठ सकती है। हाँ हाय सुनिए, तेरी अम्मे दी लत, अम्मा दी तेरी लत टूट गई है, वो किस तरह होया? हाँ हाय फिर तो मजबूरी है। अच्छा चल चल गल कराओ, तो हाल तो पूछी असी। ओ ए लाइन कुछ खराब हो रही है, मैं गल करना दोबारा। है क्या होया? क्या हुआ? कट गई कॉल, तू की किता है? मैं तो टच भी नहीं किता। ले गायब हो गया। अरे मामू ये क्या कर रहे हैं? अरे पानी है पानी, पी पी के चुल्लू भर कर रहा हूँ ताकि एसी में डूब के मर जाऊं। कमाल है, घर पे इतनी खुशी का मौका है, आपके भांजे की शादी होने वाली है और आप यहाँ पे सैड माहौल में बैठे हैं। भाई आप लोगों को ना ढोलक रख लेनी चाहिए थी अभी तक, हल्ला गुल्ला होता है, शुगर लगता। ढोलक तुम नहीं समझोगी, कोई नहीं समझ सकता, मुझसे 4-3 साल छोटे भांजे की पहले पहले मंगनी हुई और अब निकाह, लोग क्या कहेंगे? अरे तो वही जा रहा है जिसके भांजे का भी निकाह हो गया, इसकी शादी नहीं हुई। पर ये बातें मैं तुमसे क्यों कर, तो मेरी फीलिंग्स नहीं समझ सकती? समझ सकती हूँ, बिल्कुल समझ सकती हूँ, बल्कि मुझे तो खुद पे गुस्सा आ रहा है कि मैं आपके कहने से पहले क्यों नहीं समझी। मगर अब आप फिक्र ना करें, आपकी शादी करवाना अब मेरी जिम्मेदारी है। देखो भूलना नहीं, ये भी कोई भूलने वाली बात है? आप जितनी शादियां करेंगे ना उतनी शादियां करवाऊंगी पक्का। चले बूठे अंदर चलते हैं, जरा जाके इनकी भी तो खबर लेना, कोई फिक्र ही नहीं है, मामू को बाहर फेंका हुआ लिवारसों की तरह। आए उठे चले। अच्छा अच्छा कमाल है जी, मामू का किसी को ख्याल ही नहीं है, मतलब के बाहर बाहर पड़े पड़े पानी पिए पिए बैठे हुए हैं और कोई पूछने वाला ही नहीं है। हुआ क्या? हुआ ये कि अब तक ना इनकी 2-2 शादियां हो जानी चाहिए थी, 4 बच्चे हो जाने चाहिए थे। तुम मेरी बात सुनो, मामू से पहले भांजा सेहरा बांधने का तुम्हें शर्म नहीं आएगी? नहीं नहीं नहीं, मेरा प्लान क्यों खराब कर रही हो, तुम मेरी बात तो सुनो। क्या बात सुनो मैं तुम्हारी, इतने मासूम फरिश्ता नुमा इंसान के साथ जाति करते हुए तुम्हारा दिल नहीं कुछ बोल रहा? तुम जरा सांस तो लो, मेरी बात तो सुनो। तुम कुछ बात नहीं सुनी, तुम मेरी बात सुनो। आंटी जी
आंटी जी मैं ना मियाँ जी से आज ही बात करूंगी, सही है? मेरे इलाके में ना बहुत रिश्ते वाली माई हैं, उनसे कहूंगी कि फौरन रिश्ता ढूंढे, अर्जेंट रिश्ता चाहिए मामू के लिए, सही है? बल्कि फोन निकाले, मैं अभी कॉल करती हूँ, जल्दी दे। अच्छा रुको, बात तो सुनो ना, जरा आराम से बैठो। सही, अरे क्या आराम से बैठो तो सही, आए देखे ये मासूम चेहरा, देखे ये आंखें, देखे आंखें, इनमें कितनी हवस, हसरतें हसरतें ही हसरतें नजर आएंगी, देखे। अरे अयाज, तुमने बताया नहीं रानिया को, मैंने तुम्हें कितने रिश्ते दिखाए, कहां कहां तुम्हारे बात चलाने की कोशिश नहीं की, तुम अब तक कवारे हो ना, तो इसमें तुम्हारा ही कसूर है। रानिया ये बहुत उल्टे दिमाग का आदमी है, इसको कोई रिश्ता पसंद ही नहीं आता। अच्छा तो ये बात है, तो बस ठीक है फिर, हम रिश्ता ढूंढते हैं, इनको कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है, जब रिश्ता मिल जाएगा ना तो इनको इत्तला कर देंगे, सही है? भाई ये कहां होता है यार, ये कैसी बात है? बस चुप, रिश्ता ना रिश्तेदार करवाते हैं, अच्छे लड़के बीच में नहीं बोलते, आई समझ? बस ठीक है फिर, हम रिश्ता ढूंढते हैं, हैं? बस ठीक है, तो खुश हो जाओ, लड़का बोल दिया आपको, हैं? अरे तुम आई किस लिए थी? लो जी, मैं आई किस काम के लिए, और किन बातों में मुझे लगा दिया? फरहाद तुम्हें अम्मा जी बुला रही हैं, तुम्हारे निकाह का जोड़ा डिसाइड करना है, अम्मा जी ने कहा है कि जोड़ा ऐसा होना चाहिए कि सारे देखते के देखते रह जाए, मोना की मम्मी और तुम्हारा निकाह बहुत धूमधाम से करेंगे हम, ठीक है? जल्दी से आ जाओ, हम वेट कर रही हैं। ओके ओके, निकाह। बाजी बाजी, मेरी शेरवानी कब सिलेगी? तुम्हारी दुल्हन तो ढूंढ लूं मैं, इवेंट की बात कर रहा हूँ, उसमें यही पहन जा रहा हूँ। देखिए अम्मा जी, मुझे नहीं पता, मुझे सोने का सेट चाहिए और भारी भरकम लश किस्म का ना शादी का जोड़ा। मैं चाहती हूँ जब फंक्शन में मैं चलूँ तो लोग मुड़ मुड़ कर देखें, हैं? तो शानो शौकत तो आप ही की होगी ना, और अगर कोई कमी बेशी हो गई तो फिर ताने पड़े तो मेरे ससुराल को, यानी आपको, आपके खानदान को। ओ ना 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 भी, ए, ए, बिस्ती मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती, शर्मिंदगी बहुत हो जाएगी, बुला उस महीर नू, तो मैं उसको कहूंगी कि तेन पैसे दे दे, जो तू मर्जी शॉपिंग कर ले पुत्री, बंदे की इज्जत शान तो वध के कुछ चीज होर नहीं होती। बस अम्मा जी महीर को अच्छी तरह से समझाइएगा, मेरे वालों कोई कंजूसी ना हो, है? मैं बुला के लाऊंगी। नहीं क्यों करेगा वो, है? अम्मा जी ये क्या हो रहा है, ऐसा लगता है कि या तो आपके घर में दौलत का कुआं या फिर उस खिलाई मखलू खावर के घर में, इतनी फजूल खर्ची, वो भी बहू की बहन पे। पुत्री ओ भी तो साड़ी नूह है ना, ते देख नूह दी भैन फिर इस घर दी होई ना। दादी मैं समझाता हूँ, देखो रानिया ये खाते पीते घर के इश्यूज हैं, लेट मी हैंडल इट। दादी हमें इससे बेहतरीन मौका नहीं मिलेगा इस बात को साबित करने का कि हमारी फैमिली खावर की फैमिली से ज्यादा अमीर है। आहो, और हम लोग कंजूस नहीं है, खुले दिल से पैसा खर्च करना जानते हैं। ना भाई ना, आहो अम्मा जी इसी तरह तो रो पड़ेगा ना लोगों पे, जब दुल्हन की बहन सबसे कीमती कपड़ों और जेवर में होगी, बाकी सब खैर है। लेकिन अम्मा जी एक मंगनी पे इतना खर्चा। दादी अब अगर आपने मोना की शादी का बेड़ा उठा ही लिया ना, बस अब आपने पीछे नहीं हटना। नहीं नहीं मैं क्यों हटांगी भाई। चक दे पट्ठे, ये की ना मर्दों वाली बात। मेरी भी फिर एक बात सुन ले आप, मैं इस फंक्शन पे आऊंगी और घर के कपड़ों में आऊंगी, मैं भी देखती हूँ कौन मुझे धक्के देके हॉल से निकालता है या मेरी इज्जत में कौन सी कमी वाकया होती है। फिर दादी क्या कह रही है, ये समझाएं आप इसे। पहले बता दूं मैं, मुझे कोई ना समझाया माँ जी, गजब खुदा का, जो रसम एक दो लड्डू खिला के ढोलक की थाप पे दो तीन गाने बजा के हो सकती है, उस पे इतना खर्चा। मैंने तो सोच लिया भाई, सबसे पहले ना इस शोशा पे बैन लगवाना है मैंने। क्या 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 बैन लगवाना है तुमने, कैसे? आपको क्यों बताऊं, ताकि आपकी गंदी नजर लग जाए। दादी मुझे तो लग रहा है कि इसने पूरी प्लानिंग की है कि ऐन शादी वाले दिन सामने वाले खंबे पर चढ़कर एहतजाज करना है। देखते जाएं, ऐसे फजूल खर्च करने वालों को ना खंबे से लटकाऊंगी मैं, इस पर टाइम आने दें। छोड़ो इसे, अम्मा जी जरा महीर से पूछे ना मुझे कब पैसे देगा ताकि मैं शॉपिंग पे जाऊं। मैं क्यों दूंगा पैसे, पैसे तो डैड देंगे, आप करें दादी कॉल डैड को। आह मैं कर लेंगी, लेकिन सीमा मैं सोच रही हूं कि ए मुन्ना है किथे है, किते ऐ ना होवे कि पंडाल सजिया रह जाए ते दुल्हन ही ना होवे। हाय ऐसा हो जाए तो मजा ही आ जाए, सॉरी शोशा की ऐसी की तैसी हो जाएगी। ना अस्तगफुरुल्लाह, ना ना पुत्री इंज नहीं कहीदा, बस तू तू जाना इन्हां दे नाल ते जाके शॉपिंग कर ले मेरे वास्ते, मेरी मेरा दिल नहीं खुश करेंगी, जा एक दो जोड़े ले आवीं ते छोटा मोटा कोई जेवर खरीद ला, जा मेरी। अम्मा जी जा ना, मैं कह रही हूं जा मेरे वास्ते, जा चल शॉपिंग कर।
अब सोच रही होगी इतने पैसे कितने लोगों का राशन पानी हो सकता था, जरूरतें पूरी हो सकती थी। ये जो गरीब गुरबा है ना, इनकी नजर हमेशा पराए पैसे पे लगी रहती है। अब क्या करें, हैं? लीरे पहने सब कपड़े दे दे, पैसे दे दे, सब कुछ दे दे, हम कोई फलाए बहबूद का मरकज तो नहीं ना। हाँ जाहिर है, आप तो इतनी अमीर कबीर मुगलिया फैमिली की चश्मो चिराग हैं, और आपके जो शौहर है करोड़पति अरबपति शहजादा सलीम है, आप कहां समझेगी गरीबों के मसाइल। दूसरों को इंसल्ट करना आता है बस। अम्मा जी बता दे उसे बैग लेने जा रही हूँ शॉपिंग पे लेकर जाए। जो मांग दी तू ले दी है, नाले उस राणिया दे वास्ते भी देख के कोई चंगा जहा कपड़ा ले दे। शाबाश। राबेल कहाँ है जिसे तुम लेने गई थी? नहीं आ रही वो, चलें आप। अरे कहाँ चलूं बताओ तो सही। उसी मॉल में जहाँ 1,000 की चीज 5,000 में लेते हैं आप लोग। हाय रुको 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 रुको, 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 रुको। ले मेरे बगैर। हाय वर्जी गई। क्या हो? 2 सेकंड लग रहे थे, चेंज करने गई थी, तुम लोग तो गाड़ी भगा रहे थे मेरे बगैर। तो क्या आपने भी चलना है हमारे साथ? और नहीं तो। यार एक दफा डिसाइड कर लें आप लोग कि किसने जाना है और किसने नहीं। मैं इस तरह बार बार गाड़ी नहीं रोकूंगा। जस्ट मी। तो फिर बैठे जल्दी। हाँ ना, मौका तो दो। हाय रानिया जल्दी से बताओ मेकअप कैसा है? एकदम चकाचक। अब चले? हाँ चले। एसी ऑन करो, हार्ट अटैक होने वाला है, भगा दिए चची को। महीर ये कौन सा न्यू वे है? शॉर्टकट है चाची, मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं अब इतने लंबे रास्ते से जाता। हाय देखो वो बेचारे उनकी बाइक खराब हो गई है, हेल्प कर दो। ये यार बाइक खराब हो गई है तो साइड पे खड़ी करके सही करे ना। ये क्या यार रोड के बीच में बाइक खड़ी की हुई है। ओए रुको। नहीं 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 नहीं, गड़बड़ लग रही है कि तुम स्नैचर्स लग रहे हैं, चीजें छुपा रहे हो। तुम क्या देख रहे हो? ये तो डाकू है, निकालो निकालो सब कुछ। नहीं कसम से कुछ नहीं है, ये सब नकली एचरा से सेल पे लिए हैं, कुछ नहीं है। ओ माई शोके ना करो, ये तुम्हारी उम्र है मजाक करने की, जल्दी निकालो सब कुछ। माई कॉल्ड मी माई। चुप हो जाना, निकालो। और बस दिल वहां के गंदा नहीं खड़े, इधर मुझसे बात करना। और शीशो पकड़ो, शीशो पकड़ो, सब कुछ निकालो। तुझ में गैरत है या नहीं? एक औरत में बंदूक तानता है, मर्द का बच्चा है तो मर्द से आके बात कर, इधर आ। आया बड़ा, कौन सा मर्द का बच्चा, इनसे क्या बात करोगे, ये तो किसी बात के सीधे मुंह जवाब नहीं देते। इधर आओ तुम, बार बार उधर चला जाते। निकालो निकालो जल्दी निकालो। औरत पे बंदूक तानता तुझे शर्म नहीं आती? अगर मर्द है ना तो आके मुझ पे बंदूक तान, फिर मैं तुझे बताता हूँ कि मैं क्या चीज हूँ। इधर आ। अरे उस्ताद पागल कर दिया, चक्कर आ गया। तो भूल सब कुछ, भूल लोगों की ऐसी की तैसी, चकरा चकरा के पागल कर दिया। चलो सारे नीचे उतरो, उतरे 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 उतरे। अब ठीक है ठीक है ठीक है, खड़े हो जाओ यहाँ पे, खड़े हो जाओ, आराम से आराम से आराम से आराम से। गोली मचा ना, दे देंगे सब दे देंगे, जो कुछ है सब निकालो। ये जो इतनी देर से बह बह करके रो रही है, एक बार नहीं पूछा तुम लोगों ने कि क्यों रो रही है? मतलब बंदा इंसानियत के नाते ही पूछ लेता एक दफा, मुसलमान भाई भाई होते हैं, पूछा तुम लोगों ने कि क्यों रो रही है? अब क्या बताएं, हम तो पिछले स्टॉप पे लुट लुटा कर आ रहे हैं, तुम जैसे दो खबीस, मेरा मतलब है कि दो जरूरतमंद लोगों ने हमने सब ले लिया, कुछ नहीं छोड़ा हमारे पास। अभी तो इतना दूर जाने लंबा रास्ता है इसकी बीमार माँ से मिलने, और फ्यूल के भी पैसे नहीं है हमारे पास। तो गरीबों के पास इतनी बड़ी गाड़ी नहीं होती। आ गए ना जहाँ से मैं, अभी गाड़ी हमारी थोड़ी है, ये चश्मा तोड़ो। इसकी शक्ल देखें, लगता है ना मुनी भट्ट, सिर्फ शक्ल से, जेब से कंगला है कंगला, ये जैकेट भी लंडे की, जूते भी लंडे के, ऊपर से नीचे लंडे का है, ये गरीब आदमी है। और ये इनको तो आपने पहले ही माई कह दिया,
फोन तक तो है नहीं बेचारी के पास। रात को पता नहीं मियाँ से बात कैसे करती है, मैं तो यही सोचती हूँ। और मुझे मेरी सेहत देखे और आप अपनी सेहत देखे, बताए कौन मालदार है। सॉरी बाजी, तुम्हारा दुख सुन के बड़ा अफसोस हुआ। ये लो बाजी, 500 रुपए रखो, जाते हुए पेट्रोल डलवा लेना। जाओ खैरियत से, जाओ बाजी खैरियत से। बस यही लूटे यार सुबह से अब तक। चलो चलो, तुम लोग अपनी बहन को ना दुआओं में याद रखना है, अल्लाह तुम लोग के कारोबार में तरक्की करे। आमीन। चलो यहाँ से, इससे पहले कि कोई और डाकू आ जाए। चलो दोनों मेरी बात सुनो, ये सिर्फ मेरी नेकी है जिसकी वजह से हम सेव हो गए। हाँ शुक्र करो मैं थी तुम लोगों के साथ। शक्लें तो मैंने माइंड में ना टच कर ली हैं, मिल जाए मुझे बगैर गनों के, देखो कैसे रैप्टे मारूंगी। साले अंधे, मुझे माई कहते हैं। पांच हजार अस्तग़फ़िरुल्लाह, इतना ही महंगा है क्या? रानिया इधर आना। कैसा ड्रेस है? अच्छा है। किस लिए? तुम्हारे लिए। मेरे लिए? हाँ। मैं इतना महंगा ड्रेस नहीं पहनूंगी, मैंने ना फजूल खर्ची का बॉयकॉट कर रखा है। महंगा कहाँ है, होगा 3-4 हजार रुपए का। यहाँ लगाई टैग, पूरे 9,000 का है। तो ले लो। इतने प्यार से कह रहा है महीर, तो ले लो, नखरे क्यों कर रही हो? प्यार से? ए, नहीं नहीं, प्यार से कौन कह रहा है, वो तो जाहिर है हमारे घर की मेहमान है, अगर अच्छे तरीके से तैयार नहीं होगी तो इंसल्ट किसकी होगी, नाक किसकी कटेगी, हमारी ना, तभी तो कह रहा हूँ। मैंने आपकी ना नाक बचाने का ठेका नहीं ले रखा। ठीक है, तुमने तो फैसला कर लिया है कि दादी को रुस्वा कराना है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अपनी पसंद से अब जो मुझे अच्छा लगेगा वो मैं तुम्हारे लिए लूंगा। बड़ी बेवकूफ हो है, मुझे अगर ऑफर करता तो मैं एक के बजाय दो लेती है। इसकी तो आदत है सिर्फ अपने ऊपर खर्च करता है। घर की बहू, तेरे आने से हो याने बहार, दिल नची जावे धक धक के।